हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पीएचडी प्रोग्राम इन 2020 या 21 में, तो क्या न्यू अपडेट्स आए हैं आपके रिलेटेड टू पीएचडी एंट्रेंट? ठीक है, तो उन सारे अपडेट के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए अगर आप अपना पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या चेंजेस हुए हैं पीएचडी प्रोग्राम में, वो जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले गाइस, अगर आप यूजीसी नेट 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी फ्लैट 50% ऑफ सेल चल रही है, जिसमें आपको 50% ऑफ मिलता है ऑन ऑल स्टडी नोट्स ऑफ कॉमर्स, मैनेजमेंट, एचआरएम, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड होम साइंस आल्सो अवेलेबल। आप हमारे स्टोर विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सैम्पल पीडीएफ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेजर 3 चेंजेस किए गए हैं, जिसमें से एक मेजर चेंजेस हैं कि अब आपका रिक्वायर्ड होगा टू टेक ए क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज इन टीचिंग एजुकेशन पेडोलॉजी राइटिंग। ठीक है, तो अब क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज लेना मैंडेटरी कर दिया गया है। अब आपको अपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट के साथ आपको क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज भी लेने पड़ेंगे पीएचडी में, जो कि रिलेटेड होंगे टीचिंग एजुकेशन। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि यूजीसी नेट में पेपर 1 इज़ मैंडेटरी, जिसमें आपके टीचिंग रिसर्च एंड अदर सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ही आपका पीएचडी में भी अब आपके ये सब्जेक्ट जो है मैंडेटरी कर दिए गए हैं। इसमें से आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। सेकंड चेंजेस जो हैं यहाँ पर अब, वो है कि आपका जो पेडोलॉजिकल प्रैक्टिस है इन डिज़ाइनिंग करिकुलम, क्रेडिटेबल इवेल्यूएशन सिस्टम, कम्युनिकेशन, ये सब चीज, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, ये अब ऐड कर दिए गए हैं आपके पीएचडी। आप जिस सब्जेक्ट से करेंगे, उसके साथ आपको ये भी कोर्सेज कवर करने होंगे। ठीक है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि मानना ये है कि आफ्टर पीएचडी आप बिकम ए फैकल्टी और ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और कम्युनिकेटर, तो इसलिए अब ये इम्पोर्टेंट कर दिए गए हैं ये सब्जेक्ट्स। ये प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है आपकी, जिसमें डिज़ाइनिंग करिकुलम डिज़ाइन करना है, क्रेडिबल इवेल्यूएशन सिस्टम्स के बारे में एंड कम्युनिकेशन, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी कि आप अपने, सपोज इफ़ यू आर डूइंग पीएचडी फ्रॉम कॉमर्स, तो इसके साथ आपको कम्युनिकेशंस और करिकुलम डिज़ाइनिंग, ये भी अब आपको कवर करने होंगे। एंड यहाँ पर थर्ड चेंजेस जो किया गया है, पीएचडी स्टूडेंट विल आल्सो हैव ए मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एक्चुअल टीचिंग एक्सपीरियंस गैदर्ड थ्रू टीचिंग असिस्टेंटशिप एंड अदर मीन्स। यानी कि अब आपको जो है पीएचडी के दौरान, अब आपको रियल टीचिंग करनी होगी, एक्चुअल टीचिंग एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, जिसे कहा जाएगा टीचिंग असिस्टेंटशिप। ठीक है, अब आपकी टीचिंग असिस्टेंटशिप्स होगी, जो कि आपका एज ए क्रेडिट, यानी कि आपका एज ए क्रेडिट, एज ए एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर काउंट होगा। अभी तक जो है वो आपका ड्यूरिंग, अगर आप पीएचडी अपना कोई भी टीचिंग करते हैं, तो वो अभी तक आपका ऐसे एक्सपीरियंस आपका ऐड नहीं होता था, उसे ऐसे असिस्टेंटशिप नहीं कहा जाता था, बट अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसे असिस्टेंटशिप इसे लिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे 3 मेजर चेंजेस। इसके अलावा जो अब ट्रेनिंग की दी जाएंगी टीचर्स को, फैकल्टीज़ को, थ्रू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लाइक स्वयं और दीक्षा, तो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएंगी। और यहाँ पर एक और अपडेट्स है कि नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, ठीक है, मेंटरिंग नेशनल मिशंस को एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर रिटायर्ड फैकल्टी जो होंगे, वो फैकल्टीज अब मेंटर करेंगे प्रोफेशनल्स को, इन सपोर्ट करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज टीचर्स को वो मेंटर करेंगे। तो ये मेजर चेंजेस अब किए गए हैं आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर हम एक कंक्लूजन देखें आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस दिया गया है वो रिसर्च पे दिया गया है,
देन बेस्ट टीचिंग पे, बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिस पे काफ़ी फोकस दिया गया है, और मल्टी डिसप्लिनरी कोर्सेज पे काफ़ी फोकस दिया गया है। तो ये मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो आप याद रखें कि आपको PhD के साथ ये सारी एक्टिविटीज़ भी आपको करनी होगी। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस सेशन।